अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD और मैं हुरैदा सुहेल। यहाँ पे आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते चले, रिजवान मंगी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खैरपुर से हम आगाह कर रहे हैं। जी तो नाज़रीन, ये बड़ी तशवीश की बात है कि जब से मौजूदा SISE सखर तैनात हुआ है, इलाके की शायस्ता शहरियों बिलखसूस रानीपुर और इसके अलावा कोर्ट DG डिवीज़न के हज़ारों रुकावटों का सामना है। जी तो नाज़रीन, आपको बताते चलें, ऐसा लगता है कि सैपको सखर सर्कल ने करप्ट फील्ड स्टाफ को कंपनी के दयानतदार सार्फिन को हरासा करने के लिए बेख्तियार इख्तियार दिए रहे हैं और सार्फिन को सजा देने की इसे हिकमत अमली पर अमल पैरा है, बजाय इसके कि कंपनी के लिए इनकी शमूलियत में करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिजली चोरी में मदद करता है। मुबैना तौर पर LS कुंभ सब जो के सब डिवीजन मज़र जो के मीरजत और LM नाइफ सोलंगी, LM निसार सोमरू, दीगर गैर सरकारी शख्सियात फ़कीर उर्फ मामू तमरानी, जाहिद अज्जन और दीगर ने मुबैना तौर पर SE & XE के नाम पर भारी रिश्वत ले ली है ताकि बिजली के मुख्तलिफ इलाकों को बहाल किया जा सके। सिविल सोसाइटी के अरकान CEO और DSEPCO और इसके अलावा DSEPCO से मुतालबा है कि वो इस बदअनवानी के खिलाफ इर्द गिर्द घेरा तंग करें और कौम की मुजरिम है और चोरी को कंट्रोल करने की कोशिश भी करें। आनी हाथों से निपटना चाहिए जो कंपनी को दीमक की तरह चाट रहे हैं।